सो हाय गाइस, आ चुके हम लोग एक नई वीडियो में। जो हमारे पास आज की नई वीडियो बायोलॉजी में टॉपिक पे आई है, जिसका नाम है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्लास 10th का एक टॉपिक है, जो हमारे पास एक टिपिकल चीज लेके आता है, जिसके 7 पॉइंट्स होते हैं, जिनको मेसमराइज करना एक थोड़ी दिक्कत होती है इसको याद करने में। तो उनकी एक बहुत आसान भाषा से जो आपसे रिलेट करती है, उसका एक ट्रिक लेके आए हमारे पास। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, पहले ये देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। हिंदी में लिखा है, जीवों में एक लिंगी जनन के प्रक्रम। जीव मतलब ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमारे पास जो 7 पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास फिजन, ठीक है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, चौथा बडिंग, फॉर पांचवा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेक्स्ट पॉइंट टिश्यू कल्चर, और सेवंथ आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये 7 पॉइंट आपके एनसीईआरटी बुक में या कोई भी क्लास 10th के बेसिस पे मेंशनड है, आप इनको देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इनके एग्जांपल समझते हैं पहले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फिजन में दो टाइप के फिजन आते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अमीबा में। अमीबा कैसे टूटती है, डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब एक नया टॉपिक हमारे पास मल्टीपल फिजन भी आ चुका है, तो वो देखते हैं। तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल आप अमीबा लेंगे, अगला आप मल्टीपल फिजन का जो आपके अपनी क्लास 10th में आया है प्लास्मोडियम लेंगे। तो बेसिकली इस फ्यूजन में क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर। अब जब इनके सेल्स टूटेंगे, इनके न्यूक्लियस टूटेंगे, तो वो ब्रेक डाउन होकर नए में ही अपने आप को ही तोड़ के दो नए को जन्म दे देंगे, ठीक है। बहुत कॉमन डेफिनेशन है, टूट के दो नए बना दिए। अगला है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए स्पायरोगायरा। तो ये भी कुछ मिलता जुलता है आपके फ्यूजन से, ब्रेक अप इनटू टू और मोर, ये भी टूट के दो में बढ़ जाता है। थर्ड आपका जो था रीजेनरेशन। रीजेनरेशन से आप खुद समझ सकते हैं कि स्व उत्पत्ति, खुद से ही रीजेनरेट हो गए। इसका एग्जांपल आपका प्लानेरिया, फ्रॉम एनी पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी भी टूटे हिस्से में से कोई गुठा निकाल दिया, पेड़ तैयार, कुछ भी तैयार, ऑर्गेनिज्म ही तैयार नया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है बडिंग। बडिंग से क्या समझते हैं, बडिंग से आप समझते होंगे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक कड़ी जोड़ते जाना, जैसे कि ये थी, ये है, तो यहां से नॉर्मल पहले था, पहले से ऐसा निकला, पहले दूसरे से ऐसा निकला, तीसरा चौथा पार्ट था, तो बड पे बड ऐसे लगती चली गई, ठीक है। तो हाइड्रा से आप क्या समझेंगे कि प्रोजेक्शंस ऑफ न्यू बड, प्रोजेक्शन ये से ये, तो प्रोजेक्शन मतलब नए नए का उत्पत्ति होने चले जाना, ठीक है। पांचवा आपको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आप क्या समझते हैं, किसमें होता है, तो पोटैटो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, पोटैटो स्टेम लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो जो पोटैटो होता है, जब पोटैटो की खेती देखनी होगी, तो ये नहीं कि पूरा उठा के जमीन में लगा दिया, एक के चार टुकड़े करें, ये टोड़ा तोड़ के चार टुकड़े करें, तो ये जो हिस्सा जाएगा ये एक में जाएगा, ये दूसरा जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे छोटे पार्ट से ही नया पार्ट डेवलप होगा, और यही ब्रायोफाइलम की पत्ती में आप देखेंगे, आपके बुक में डायग्राम बना है बहुत अच्छा सा। तो एक पत्ती है आपके पास, उस पत्ती पे पत्ती, पत्ती पे पत्ती, पत्ती पे पत्ती, छोटी सी पत्ती से ही एक नया विशालकाय पेड़ तैयार हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो पत्ती पे पत्ती, तो ये समझ लीजिए डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ये रूट होगी टूटेगी, स्टेम होगी टूटेगी, लीफ होगी टूटेगी, इन सब के टूटने से ही नया पेड़ तैयार, ऑर्गेनिज्म तैयार। आपका अगला आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हैं, उत्तक, उत्तक का कल्चर, ठीक है। तो जो आप केला खाते हैं, वो टिश्यू से ही, पुराने पेड़ से कोई अच्छा प्रजाति होगा पेड़ का, आप अच्छे केले खाते हैं, तो उसके टिश्यू निकालना, उसमें बहुत लंबी प्रोसेस है एक तरीके से, तोड़ के सब कुछ करना उसका, तो उस टिश्यू कल्चर से ही, उसकी सोची छोटे टिश्यू से ही नया पेड़ तैयार करना, तो एक बड़ी बात है। तो ये चीज आप बनाना में देख सकते हो, इसका एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल बनाना। लास्ट टॉपिक आपका स्पोर फॉर्मेशन, ये आपकी बुक में लास्ट टॉपिक ही है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, कि यहाँ पर लिखा है, इसका पहले एग्जाम्पल देखिए, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल राइजोपस। तो उसमें जो आपकी किताब में डायग्राम बना है, उसमें एक स्टेम टाइप का आपको दिखाया गया है, ऊपर छोटे से स्पोर है, बल्ब लगा है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका मोल्ड है। तो ये बेसिकली ब्रेड मोल्ड, ब्रेड आप कभी फेंक देते हैं, 5-6 दिन में देखिए इसको हरा बन जाता है, खराब होता है, उस पर शुद्ध वही स्पायरो वगैरह लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ब्लॉक देखोगे, तो इस टाइप के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे, तो ऐसे डंठल टाइप में, स्टेम टाइप की निकली होगी, और उस पर एक बल्ब टाइप का होगा, ब्लॉब, एक छोटा सा कंचे की गोली जमी होगी। उस कंचे की गोली को काटने पे आप क्या देखोगे, छोटे छोटे स्पोर। अब ये क्या करते हैं, ये हवा में उड़ते हैं, हवा में हर टाइम मौजूद है, ठीक है। खाना फेंकते हैं, खाना क्यों खराब होता है, सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। ब्रेड माउल्ड, ब्रेड खराब क्यों होता है, माउल्ड के कारण।
तो ये आप एग्जांपल देखो, तो ये हवा में उड़ते रहते हैं, मॉइस्चर पा के बहुत तेज रिएक्ट करते हैं और ये अपने आप की उत्पत्ति करते हैं। अब ये सब कहानी आई, ठीक है, कहानी कोई काम नहीं, ठीक, हमारे पास सिर्फ काम है इस शब्द का, इस लाइन का, जो कि है फूफा रंग बिरंगा वेटी स्पा में। ये हमारा आज का मेन टॉपिक था, ये तो मैंने आपको बताया कौन क्या होता है, फूफा रंग बिरंगा वेटी स्पा में। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कहां काम करेगी, कैसे काम करेगी। तो ये हमारा लिखा है फूफा रंग बिरंगा वेटी स्पा में, तो फू से फिजन, ठीक है, पा से फ्रेगमेंटेशन, रंग से रीजनरेशन, बिरंगा से बडिंग, वे से वैलिडिटी प्रोपेगेशन, टी से टिश्यू कल्चर, स्पा से स्पोर फॉर्मेशन। ये एक फूफा रंग बिरंगा वेटी स्पा में, यहाँ पे मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 60 टर्म है जो आपको याद करने हैं। एफ से फूफा से फिजन हो गया, फा से फ्रेगमेंटेशन, रा से रंग से रिजेनरेशन, चौथे से ये बिरंगा से आपका क्या नाम बडिंग आ जाएगा, और वेटी VETI वेटी ना कि बेटी, वेटी से आपका वेजिनेटिव प्रोपेगेशन, सिक्स में आपका आएगा टिश्यू कल्चर, और सेवन्थ में स्पा में स्पोर फॉर्मेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं, एक बार ध्यान से आप देखिए, ये हमारे पास जो डेफिनेशन है फूफा रंग बिरंगा, इसकी आप फोटो ले सकते हैं एक बार चाहें तो। तो ये थी हमारे आज से कुछ टॉपिक, जो हमारी एक प्यारी सी डेफिनेशन याद करने की, जिसमें आप एक हेक्टिक भरे चीजों से फूफा रंग बिरंगा बेटी स्पा से स्पा में, ये आपसे बहुत रिलेट करता है, फूफा आपके घर में बैठे होंगे तो उनको जाके बता दीजिए और उनकी बेटी स्पा में नहा रही होगी। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।